Hello everyone, myself Vijay Kumar, and today we are going to perform protein in water simulation. आज हम आपको protein and water simulation के बारे में explain करेंगे. What are the steps, what are the parameters, and how this simulation will perform with the help of Gromax. Protein in water simulation. Basically, this simulation and the tutorial belonging to this simulation is given here. We have to go for Google search and just type here MD simulation lysozyme in water, and you find that the mdtutorial.com website will open, and here the MD simulations tutorial for the lysozyme in water is given. Just click on this one. तो यहाँ पे ये दे रखा है पूरा का पूरा. तो हम इसी ट्यूटोरियल को बेसिकली फॉलो करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने आपको Gromax इंस्टॉल करना बता दिया था, कैसे विंडोज पे. बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये हम विंडोज पे इंस्टॉल किए हुए हैं और विंडोज पे रन करा रहे हैं Gromax विद द हेल्प ऑफ सब सिस्टम फॉर Linux एंड Ubuntu. तो जस्ट हम आपको पहले बता दें कि सिंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइसोजाइम, तो पहले हमें लाइसोजाइम की जो PDB फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है. द PDB कोड फॉर लाइसोजाइम इज गिवन हेयर 1AKI. तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे RCSB. RCSB इज बेसिकली प्रोटीन डाटा बैंक वेबसाइट. With the help of this website, we can download any protein. तो यहाँ पे हम ये इस सर्च बॉक्स में जस्ट पेस्ट कर दीजिए कोड को, और जैसे ही आप कोड को पेस्ट करेंगे आपकी प्रोटीन ये 1AKI आ जाएगी. तो आपको ये साइड में ये जो डाउनलोड फाइल्स दिया है इसमें आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं विथ PDB फॉर्मेट. तो हमने ये PDB फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया. जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा. दिस इज द, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इस PDB फाइल को कॉपी कर लेना है. कॉपी कर लीजिए. कॉपी करने के बाद Ubuntu ऐप खोलेंगे. ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे फुल स्क्रीन मोड में ले लेता हूँ आपको जो विजिबिलिटी हो क्लियर हो. आपको टाइप करना है cd space slash इंटर अगेन cd mnt slash users slash. अब आप जो भी आप यूजर जिस भी यूजर को आप रन कर रहे हैं वो आप यहां से देख सकते हैं. जैसे सपोज करिए कि ये सी ड्राइव है हमारी, ये सी ड्राइव है. सी ड्राइव में हमने ये यूजर नाम का फोल्डर है. यूजर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम जो हमारा यूजर अकाउंट है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है ये किक नाम से. एक अकाउंट पब्लिक का होता है, दूसरा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट. तो ये किक हमें याद रखना है कि हमारा कौन सा अकाउंट है. जो अकाउंट होगा उसका आप नाम टाइप कर देंगे KICK. ठीक है, जस्ट टाइप हेयर mnt c slash, ये रॉन्ग कमांड था, ये टाइप कर देंगे. तो अब देख सकते हैं कि हम ये कहाँ पे आ गए, mnt c यूजर्स में आ गए. मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. सी यूजर्स में किक फोल्डर में आ गए. तो इस किक फोल्डर में हम यहाँ पे आ गए. अब इस Ubuntu की मदद से हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं. देखिए ये फोल्डर हमने वी केमिस्ट्री नाम से क्रिएट किया, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है. तो क्रिएट करना है तो हमको mkdir मेक डायरेक्टरी का कमांड लगाना होगा और फाइल नेम लिखनी होती. तो दिस इज दी वी केमिस्ट्री. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो
फोल्डर है, ये बन के आ गया। वैसे आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो उबंटू में आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा, तो आप अगर यहाँ पे फोल्डर बना लेते हो तो आप विंडो में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब मतलब जो भी है, जो भी कोई इसे देख रहा हो वो इस फोल्डर में, यहाँ पे भी फोल्डर बना के आप एक्सेस कर लो। अब डेस्कटॉप पे आ जाओ, अब यहाँ से आप सी ड्राइव डी ड्राइव सारे में जो जा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट वे होगा, यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लीजिए। ठीक, अब हम यहाँ पे सी डी पी केमिस्ट्री कर लेते हैं। जी, हमने डायरेक्टरी चेंज कर लिया। अब हमने जो फाइल कॉपी की थी 1AKI, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप ls कमांड लगा के देख सकते हैं कि जब आप ls कमांड लगाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपने यहाँ पे पेस्ट तो किया है, ये पेस्ट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो अब आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना है कि आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करें यहाँ भी दिख जाए, उसके लिए एक्चुअली जो हमने पीडीबी फाइल पेस्ट की थी वो दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर दी थी, तो होपफुली कि अगर आप ls कमांड लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा। जैसे मैं फिर से इस कमांड को आपको रन करा के दिखा देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे ls टाइप करते हैं तो ये हमें अब दिखेगा क्योंकि हमने दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो जैसे आपने देखा कि ये फाइल आ गई, अब ये जो पीडीबी फाइल है आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में खोल सकते हो, ओपन विथ txt फाइल कर लीजिए नोटपैड। जब नोटपैड में आप इसे ओपन करके देखते हैं तो इसमें बहुत सारे, ये जो एटम रिकॉर्ड है और ये कनेक्टिविटी दिया है, तो एटम हीटम के एटम के बाद ये हीटम वाला जो रिकॉर्ड होता है बेसिकली, इसमें आप देखो कि ये ऑक्सीजन एटम या HOH की जो लाइनें हैं वो हमारे लिए केवल केवल वाटर के लिए होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से मैनुअली इसको डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे क्लोज करिए और जो ट्यूटोरियल में कमांड लाइन्स दी हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये हम ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि ट्यूटोरियल में भी इसके करेस्पॉन्डिंग कमांड लाइन्स दी है कि हाउ टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस आर द कमांड लाइन्स। ग्रेप, ग्रेप कमांड है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और अपने इस टर्मिनल पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आ जाएगा, आप इंटर करिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे अगर कोई एरर नहीं है तो आप देखिए कि ये कमांड लाइन सक्सेसफुली रन हो गई। करेस्पॉन्डिंग आप अपना फोल्डर खोल के भी आप इसे देख सकते हैं कि जो ये आउटपुट फाइल है 1AKI_clean.pdb, क्या ये जनरेट हुई है? तो हाँ, ये जनरेट हो गई। अब इसको आप फिर से आप देखिए नोटपैड में ओपन करके आप देख सकते हैं कि इसमें जो HOH के करेस्पॉन्डिंग लाइन थी, ये देखिए जो टर्मिनेशन के बाद जो HOH के लिए लाइन्स थी, यहाँ पे HOH आ रहा था, वो सब कुछ नहीं है, सब डिलीटेड है। इसका मतलब आपकी जो पीडीबी फाइल है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स डिलीट हो चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हमारे लिए कमांड है वो है PDB to GMX. दिस इज द कमांड PDB to GMX. PDB to GMX का पर्पज क्या होता है? ये तीन फाइल्स को जनरेट करता है, एक टोपोलॉजी फाइल, एक पोजीशन स्ट्रेन फाइल और एक पोजीशन प्रोसेस स्ट्रक्चर। तो इस तीन फाइल को जनरेट करने के लिए हम PDB to GMX कमांड का यूज करेंगे। कमांड लाइंस यहाँ पे दे रखा है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, जस्ट कॉपी दिस कमांड्स। आपको क्या करना है, देखिए जब आप किसी दूसरी प्रोटीन के साथ रन करेंगे तो आपको ये वाला नेम चेंज कर देना है, जो आपका प्रोटीन का नाम होगा वो आप यहाँ पे रख देंगे, बाकी सब कुछ आपको नहीं करना है। 1AKI जहाँ भी है वो आप
अपने प्रोटीन के नाम से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप इसे रिप्लेस करेंगे आप इसको रन करा सकते हैं। तो मैंने ये कमांड कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखो, सिंस हमने ग्रोमैक्स को एक्टिवेट नहीं किया है तो हो सकता है कि जब हम जीएमएक्स कमांड लगाएं तो इरर आ जाए। जैसे ही हम ये जीएमएक्स कमांड लगाते हैं तो ये देखो क्या बोलता है, ये आपसे बोल रहा है कि जो जीएमएक्स है उसको हम नहीं पहचान रहे या फिर ये इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि इसको एक्टिवेट करने के लिए इससे इस टर्मिनल को इसका सोर्स बताना होगा कि बेसिकली हमने इसे इंस्टॉल कहाँ किया। तो ये जो इसका सोर्स है वो दिया होता है ग्रोमैक्स इंस्टॉलेशन में, पाथ दिया होता है बेसिकली। देखिए ये हम जो प्रीवियस वीडियो था उस वीडियो में भी हमने आपको ये बात बता रखी थी कि जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ग्रोमैक्स को एक्टिवेट करना होगा। तो दिस लास्ट लाइन इज गिवन फॉर द सोर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्स वी कैन एक्टिवेट द ग्रोमैक्स इन कमांड लाइन टर्मिनल। चलिए यहाँ पे हम ये पेस्ट कर देते हैं और अब हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं। जी एक्टिवेशन हो गया, देखिए कोई इरर नहीं है। अगर कुछ भी इरर होगा तो इस तरीके से कुछ लिख के आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही अगर कोई इरर नहीं है तो अब ये नेक्स्ट कमांड, ये जो हम रन करा रहे थे वो करा सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इरर पहचानना आना चाहिए। ये कमांड आपने ऊपर टाइप किया है तो आप एरो की का जो अपर बटन है वो दबाइए, कमांड अपने आप आ जाएगा। अब हम इंटर कर देते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहा है और इसने प्रोसेस करने के बाद आपको ये फोर्स फील्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शंस भी दे रहा है कि आप जो ग्रो फाइल जनरेट करना चाह रहे हो, टोपोलॉजी फाइल जनरेट करना चाह रहे हो, वो किस फोर्स फील्ड के माध्यम से करना चाह रहे हो, कौन सा आप फोर्स फील्ड। तो वेरियस फोर्स फील्ड और उनके करस्पॉन्डिंग जो डेटाज हैं वो दिए हुए हैं। जैसे ये देखो, ये 2003 का पेपर है, अंबर फोर्स फील्ड, अंबर बहुत बेहतरीन फोर्स फील्ड है। अंबर नाम का एक सॉफ्टवेयर भी है जिससे हम एमडी रन कराते हैं, बट दिस इज द पेड वर्जन। और ग्रोमैक्स क्या है, ग्रोमैक्स फ्री वर्जन है। तो ग्रोमैक्स के द्वारा डिफरेंट तरह की फोर्स फील्ड भी जनरेट की गई हैं, दीज आर द डेवलप फोर्स फील्ड। हम कोई सा भी फोर्स फील्ड ले सकते हैं, ठीक है। एक ये भी ले सकते हैं ओपीएलएस, ये सभी के लिए होता है, ऑल एटम फोर्स फील्ड है। आप चार्म भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे चार्म, क्योंकि चार्म भी इंडिपेंडेंटली जो है डेवलप की गई है, तो हम चार्म लेके आपको ये यूज करना सिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी फोर्स फील्ड लगाना है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर टाइप करिए। जैसे हम 8 नंबर पे फोर्स फील्ड है चार्म, 27 ऑल एटम फोर्स फील्ड, ये यूज करना है। तो 8 टाइप किया और एंटर कर दिया। अब ये सारी टोपोलॉजी फाइल को राइट कर रहा है। आपको हमेशा लास्ट लाइन को ध्यान रखना है, जैसे ये ग्रोमैक्स रिमाइंड यू, ये या इससे एक दो पहले, कि अगर कोई एरर वर्ड है या एरर टाइप में है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो हम नेक्स्ट कमांड की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। समटाइम्स हमें मिलता है कि यहाँ पे एक एरर आता है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो ऑप्शंस है वो ये वाला है, ये तीन चार ऑप्शंस ग्रोमैक्स ने दे रखा है। देखो ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखते हैं। देखो ये है इग्नोर हाइड्रोजन, तो बेसिकली जो एनिमा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें मिलता है प्रोटीन फाइल का, वो दो तरह का होता है। एक्सरे एक होता है एक्सरे जनरेटेड एक्सरे के द्वारा, और दूसरा होता है एनएमआर स्ट्रक्चर। बेसिकली कभी कभी होता क्या है कि अगर हाइड्रोजन इंक्लूडेड है और कोई इरर आता है, तो हमें मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अगर इरर आता है तो आपको यही ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऑप्शन में आपको ये इंटरेक्टिवली असाइन चार्जेस टर्शियरी के लिए INTR ये ऑप्शन यूज करना पड़ सकता है। दिस आर डिपेंडिंग ऑन द एरर प्रेजेंट इन दिस सिस्टम, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस आर द कॉमन एरर, इसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे कि मैंने यूज किया है तो मैं अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ कि मोस्टली इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज जनरेटिंग टोपोलॉजी फाइल।
यहाँ पे उससे पहले क्या है कि टोपोलॉजी फाइल को कुछ देख लीजिए, मतलब ये सारी लाइंस आप एक बार चेक कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर। तो चलिए हम आते हैं अब अपने टोपोलॉजी फाइल में, देखते हैं हमारी टोपोलॉजी फाइल कहाँ पे रखी है। सी ड्राइव यूजर पिक एंड वी केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए ये टोपोलॉजी डॉट टॉप, ये टोपोल डॉट टॉप जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके टोपोलॉजी फाइल को। अब इसे ओपन करिए नोट पैड प्लस प्लस में या सिंपली नोट पैड में, और आप देखेंगे कि जो जो लाइंस दी रखी है ट्यूटोरियल में वो है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखिए कि ये फाइल नेम है, यूजर अननोन है, ये डेस्कटॉप की आईडी है एक्सेट्रा, हम कौन सा कमांड यूज कर रहे हैं, ग्रोमैक्स का कौन सा वर्जन है, कहाँ पे फाइल है, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सारी वैल्यूज हैं उनके रिकॉर्डिंग ये दे रखा है, कौन से आइटम्स है, टाइप है एक्सेट्रा। मेनली आपको ये ध्यान देना है कि आपने कौन सा कोर्स फील्ड लगाया है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर इंक्लूडेड है जैसे ये हैस इंक्लूड और डबल कोट चार 27.mm, ये दिस मीन्स द कोर्स फील्ड इंक्लूडेड इन द मॉलिक्यूल, तो यही ध्यान देना है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपका जो टोपोलॉजी फाइल है वो करेक्ट है। ठीक है, लास्ट में आपको ये ध्यान देना है ये वाला कि इसमें कौन कौन से चीजें प्रेजेंट है। जैसे अगर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे तो प्रोटीन लिगेंड सिमुलेशन के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे आपको या तो मैनुअली लिगेंड ऐड करना होगा। ठीक है, अगर नहीं ऐड करना है तो वो अपने से ऐड हो जाए या किसी स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। जैसे यहाँ प्रोटीन चेन ए है तो कितनी चेन की प्रोटीन है उसकी आईडी दिया होगा, प्लस लिगेंड का भी यहाँ पे देंगे। क्लियर, अब हम क्या करते हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, इस फाइल को कट कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, अगर कुछ चेंज होगा तो खुद ही बताएगा कि जो है आप इस फाइल को व्यू कर लीजिए, सॉरी सेव करने के लिए बोलेगा। तो ये आपने देख लिया कि सब कुछ है, इसका मतलब एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि अपने जो प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन को हमने जनरेट किया था डॉट प्रोफाइल, इस फाइल को हम न्यू बॉक्स एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में वो बॉक्स बेसिकली क्यूबिक होगा और उस क्यूबिक बॉक्स में हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो इसका कंसंट्रेशन है ये डैश सी वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं जो है 0.15। ऐसा इसलिए करते हैं यहाँ पे आएगा वैसे वो एडिंग आयंस में, यहाँ पे जब ये आयंस अगर हम चाहें तो न्यूट्रल कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंसंट्रेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन हम डिफाइन करते हैं सोडियम और पोटेशियम आयंस का 0.15 मोलर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमारा ये मानना है कि जो हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन होता है वो उस एनवायरनमेंट में होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0.15 मोलर के आसपास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बैक जाते हैं और सॉल्वेशन स्टेप ट्राई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज GMX edit conf this। अब देखिए ये जो क्यूबिक है ये बॉक्स का टाइप है, BT means box type। ठीक है, ये दे रखा है कि सेंटर से और ये डिस्टेंस छोड़नी है आपको, मतलब चारों तरफ प्रोटीन से करीब करीब इतना डिस्टेंस लेके चलना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे अगर कम है तो हमें कम, आप क्यूबिक बनाओ और कम से कम एटलीस्ट 1 नैनोमीटर की, ये 1 नैनोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन रखना। ठीक है, तो यहां से हम कमांड को कॉपी कर लेते हैं, दिस इज द जीएमएक्स, कंट्रोल सी, यहां पे राइट क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगा, इंटर कर लिए। अब अगेन आपको मॉनिटर करना है कि कहीं यहां पे कोई एरर जैसा कुछ तो लिखा नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे कि कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन।
ठीक है, ये आपके सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, बॉक्स कैसा है, बॉक्स का टाइप है, वॉल्यूम एक्सेट्रा, तो इसे आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए इस बात जब हम बॉक्स बना लिए तो इस बॉक्स में ये कह रहा है कि आप आपके बॉक्स में डिफाइन करना है, यू हैव टू डिफाइन अ बॉक्स दैट कैन फिल विद द सॉल्वेंट। अब किस सॉल्वेंट से फिल करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम जो है वाटर में फिल करेंगे, क्योंकि जो हमारे सेल्स के अंदर मोस्टली पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन में वो होता है वाटर, तो हम तो यहाँ पे वाटर को यूज करेंगे। प्लस वाटर का कौन सा मॉडल यूज करते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है एसपीसी, ठीक है, ये वाटर का मॉडल टाइप है। यहां से हम कमांड कॉपी कर लेते हैं, यहां पे राइट क्लिक करेंगे, ये कमांड आ जाएगा। हम इसे रन करा देंगे, जस्ट प्रेस इंटर की एंड वेट। अगेन हम वॉच करेंगे क्या यहाँ पे कोई एरर है, नहीं। देखिए जितनी बार ये टोपोलॉजी फाइल में कोई वैल्यू चेंज करेगा तो जो आपकी प्रीवियस फाइल होगी ना उसको इस फॉर्मेट में राइट कर देगा, topol.top.1। आपकी जो लेटेस्ट फाइल होगी ये topol.top ही होगी, प्रीवियस फाइल को इसमें राइट कर देगा, रीनेम करके चेंज कर देगा, ठीक है, तो कोई एरर नहीं है। तो हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जुड़ा तो नहीं है, आप टोपोलॉजी फाइल खोलिए, देखिए ये topol.top.1 आ गया, आपकी टोपोलॉजी फाइल होगी, सबसे नीचे चले जाइए और सबसे नीचे यहाँ पे भी, इसका मतलब ये जो टोपोलॉजी फाइल है ये नहीं है। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है कि ये दोनों जो टोपोलॉजी फाइल है ये दोनों हैश में लगी हुई और डॉट वन में है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं होगा तो हम फिर से कमांड को रन करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर का एडिशन नहीं हुआ है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो अब इसको हम ध्यान में रखेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें topol.top फाइल मिलनी चाहिए जो कि है नहीं, topol.top.1 है, होनी चाहिए है नहीं, देखते हैं प्रयास करते हैं कैसे आती है। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ये कमांड फिर से रन करा देना, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर रहा, हमने ये कमांड फिर से रन करा दिया तो हमें topol.top फाइल मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये इसको सॉल्व आउट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, अगर कोई एरर होता तो ये यहाँ पे एरर मैसेज लिख के आता, ऐसा नहीं है, तो हम एक बार फिर से इसको रन करा देंगे और फिर से देखेंगे कि हमें topol.top फाइल मिली कि नहीं। अच्छा ये जो हैश में लगी हुई फाइल होती है ये हमारे काम की नहीं होती, ठीक है, इसे हम सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं और ये ही ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसे डिलीट करके फिर से ट्राई करें, हो सकता है मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो गई है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं ये है तो जनरेट हो गई, सॉरी
ये है तो कौन डॉट टफ है, ठीक है। अब इसमें क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐड हो गए। सबसे नीचे आते हैं जहां पे प्रोटीन वगैरह दिया था, जैसे तुमने पीछे भी देखा है, तो इस फाइल को हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये शायद थ्री टाइम्स सॉल्व सॉल्व लिखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वन टाइम ही सॉल्व होना चाहिए। तो हम इसे मैनुअली एडिट भी कर सकते हैं, इसे हम मैनुअली डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इस फाइल को सेव कर लीजिए, सेव कर दीजिए इसी फॉर्मेट में। ये सही है क्योंकि सॉल्व के लिए जो लाइन होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए, तो अब ये सही है। अगर कोई एरर आता है तो हम उसे फिर से ट्राई करेंगे एरर को रिमूव करने का, बट नो इश्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड है। अब देखिए हमने जो सॉल्वेट कर लिया, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जो कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसको आयन से रिप्लेस कर दिया जाए। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक MDP फाइल होनी चाहिए, दैट इज द IM.MDP। ये क्या है कि ये पैरामीटर्स फाइल होती है, यहाँ पे ये फाइल मिलेगी। इस फाइल के पैरामीटर्स हैं, देखिए पैरामीटर डिस्क्राइबिंग व्हाट टू डू एंड व्हेन स्टॉप एंड व्हाट टू सेव। तो बेसिकली ये पैरामीटर फाइल एक्सप्लेन करती है कि क्या करना है, कब रुकना है और कितने पे रुकना है। तो कुछ जो चार्जेज हैं वहाँ पे ये पैरामीटर फाइल रुक जाती है। देखिए जिसमें इंटीग्रेटर यूज किया गया वो स्टीप है, एल्गोरिथम इसका स्टीपेस्ट डिसेंट है, स्टॉप मिनिमाइजेशन व्हेन मैक्सिमम फोर्स इज, अब ये स्टेरिक फोर्स दे रखा है कि इससे पहले अगर ज्यादा होगी तो स्टॉप कर जाएगा, कितने सेकेंड के लिए है, मिनिमाइजेशन स्टेप्स का साइज दे रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स भी दे रखा है कि इतने इससे ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म नहीं करने। कभी कभी आप देखोगे कि आपके जो प्रोटीन है जब मिनिमाइज आप करोगे एनर्जी मिनिमाइजेशन, तो इतने स्टेप्स में नहीं मिनिमाइज हो सकता, तो हमें क्या है ये मैनुअली हम इसे बढ़ा सकते हैं, दिस एन स्टेप कैन बी इंक्रीज मैनुअली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो स्टेप्स 50,000 से पहले ही अगर मिनिमाइज हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्टेप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अदर भी कंडीशन है, जैसे पीरियाडिक बाउंड्री PVC मींस पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशन एंड दिस बाउंड्री कंडीशन इज बाउंडेड बाय XYZ एक्सिस, वंडरवाल फोर्सेस का कट ऑफ दे रखा है, शॉर्ट रेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक का कट ऑफ दे रखा है, ये सब की वैल्यूज है। तो हमें इसे कोई भी चेंज नहीं करना है। सिंस हम विंडो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये MDP फाइल कैसे सेव की जाए, इसके लिए हम इसे कॉपी कर लेंगे और Notepad++ ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, सिंस हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, आप भी कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि Notepad++ ज्यादा अच्छा है। यहाँ से हम नया न्यू लेते हैं, न्यू पेज, और न्यू पेज पे ये सारे पैरामीटर्स पेस्ट करते हैं। अब इसको सेव करिए, कंट्रोल एस करेंगे। आपको ये देखिए ये जो नाम दे रखा है यहाँ पे ion.mdp, इसी नाम से ये फाइल पैराम सेव करनी है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इसी नाम को सर्च करता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है, इसी नाम से मैं इस फाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है। ये फाइल हम डेस्कटॉप पे ही फिलहाल सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या फायदा है कि आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट देता है, बहुत सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको MDP फाइल फाइल डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये Ubuntu के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है, ठीक है, ये विंडोज के लिए NPP है, तो इसलिए नहीं मिलेगा। तो कोई नहीं, हम .txt में सेव कर लेते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसी में सेव कर लीजिए, बस इसका नाम चेंज कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिए ion.ions.txt, क्लियर, सेव कर दीजिए। अब देखते हैं कि ये फाइल कहाँ पे सेव है। ये फाइल हमने सेव किया है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे आते हैं, ये है ion.txt। अब ये txt जो पैरामीटर है ना, इसको हटा दीजिए,
इसको अगेन रीनेम कर दूंगा। इसको एमडीपी कर दीजिए। अब ये आपसे कहेगा कि ये पैरामीटर हम नहीं जानते, नहीं पहचानते क्या है, फिर भी आप इसे कहिए एस, क्योंकि जहां पे हमें यूज करना है वो सॉफ्टवेयर जानता है व्हाट इज द एमडीपी फाइल। यहां से आप इसे कट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स कर देता हूं मैं, और ये वी केमिस्ट्री वाले फोल्डर में पेस्ट कर, क्योंकि ये पैरामीटर फाइल हमें यहाँ पे चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कमांड हम रन करा देते हैं। नेक्स्ट कमांड है ग्राम, ग्राम कमांड रन करा दीजिए। यहां पे हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे, ये कमांड लाइन आ जाएगा, इंटर करिए और देखिए क्या कोई एरर आता है। अगर एरर नहीं आता तो दैट विल बी द फॉरफेटर, अदरवाइज अगर कोई एरर है तो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, और ग्रोमैक्स का जैसे कि ग्रोमैक्स रिमाइंड यू हमेशा एक टैगलाइन आती है, पैरेलल प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट इलिगेंस। ठीक है, ये ग्राफ का स्टेटमेंट है, इससे कोड कर रहा है, तो दैट्स मीन आपका कोई एरर नहीं है और एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट कमांड लाइन हम यूज करेंगे। Now we have an atomic level description of our system in binary file, and this file is ion.tpr. आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ion.tpr फाइल जनरेट हुई है कि नहीं। तो ion.tpr फाइल जनरेट हुई है। अब ये tpr फाइल ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना। आगे भी जब हम चाहेंगे ट्रेजेक्ट्री रन कराएंगे तो tpr फाइल का बहुत बड़ा रोल है। चलो देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या है। नेक्स्ट कमांड कह रहा है कि अब वी विल पास दिस फाइल टू जेनाइन। अब ये कह रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे ग्रॉम्प यूज किया, तो पूरे फाइल को जो आउटपुट फॉर्मेट है उसमें हमें इसे जेनाइन से पास करना है। कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो पी नेम एन ए लिखा है, इसका मतलब ये सोडियम है, और एन ने सीएल लिखा है, प्लस कंसेंट्रेशन न्यूट्रल बोल रखा है। तो आप सेट कर सकते हैं कंसेंट्रेशन को, आप एक पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे मैं बता रहा था कि जो सेलर कंसेंट्रेशन है 0.15 का होता है, तो हम उतना भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, ओ कॉपी नहीं हुआ, अगेन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे आएंगे, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखना है कि कोई ऐसी फाइल तो नहीं जैसे एमडीपी फाइल, तो इस कमांड में कोई नहीं है, तो आप सिंपली इंटर कर दीजिए, ये रन करेगा। अब देखिए जब आप आयंस डॉट में आप ये सोडियम और सोडियम और क्लोरीन क्लोराइड, बेसिकली सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को ऐड करते हैं, ये पूछता है किस चीज को रिप्लेस करके ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हमने वाटर ही ऐड किया है, तो वाटर को ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 12 नंबर पे हमारा वाटर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 13 नंबर पे सॉल लिखा है, ये सॉल स्टेटमेंट को कह रहा है सेलेक्ट कर देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 13 नंबर पे सॉल भी लिखा है, सिंस जो हमारी टोपोलॉजी फाइल है उसमें वाटर का ही नहीं लिखा है, तो हम इसे सॉल ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली 13 टाइप कर दीजिए, 13 एंड एंटर कर दीजिए। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके वहां पे सोडियम और पोटेशियम आयन ऐड कर देगा। यहाँ से देख सकते हैं कितने सोडियम और कितने पोटेशियम को जितनी जरूरत होगी, जिसकी जरूरत होगी वो ऐड करेगा। यहाँ पे देखेंगे कि केवल केवल क्लोराइड आयन की जरूरत थी, उसी क्वेश्चन ऐड कर दिया। कौन से वाटर के एटम को रिप्लेस किया, दिस इज द लाइन नंबर दे रखा है। सिंस कोई एरर नहीं है, तो अब हम अगेन नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव कर सकते हैं। टोपोलॉजी फाइल अगेन हम चेक करके ये पैरामीटर्स देख सकते हैं कि इसमें कौन सा आयन जुड़ा है और क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये हम देख लेते हैं, topol.top ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस। क्लियर। अब अगेन जाइए सबसे नीचे, और वहां पे आपको ये दिखो जो भी चीजें ऐड हो रही है वो नीचे रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पर। तो यहाँ देखो 8 क्लोराइड आयंस जुड़े हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इतने हैं, और एक प्रोटीन की चेन है, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है।
ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है एनर्जी मिनिमाइजेशन। एनर्जी मिनिमाइजेशन के लिए भी एक स्क्रिप्ट चाहिए, इसके लिए इनपुट फाइल चाहिए आपको minim.mdp। तो इस minim.mdp को हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगेन दीज पैरामीटर्स, आप देखिए ये स्टेप्स है, इंटीग्रेटर है, कट ऑफ टाइप है, बाउंड्री कंडीशन है, एक्सेट्रा से यहाँ पे वैल्यू दे रखती है। मिनिमम स्टेप्स का बस ध्यान रखना है कि अगर ये मिनिमम स्टेप्स ओवरराइड कर रहा है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इतने में ही हो जाता है वैसे जनरली, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। कॉपी करिए इस पैरामीटर फाइल को। कॉपी करने के बाद नोटपैड प्लस प्लस पे आइए, एक नया पेज लेते हैं, न्यू पेज, और पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद इस फाइल को अगेन उसी तरह सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा minim.mdp, तो आपको इसी फाइल फॉर्मेट में सेव करना है मिनिम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं। अगेन मैं डायरेक्ट यूजर में जाके वी केमिस्ट्री में, यहाँ पे वी केमिस्ट्री में ही डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। दिस फाइल विल बी minim.txt। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इस फाइल को रीनेम करना होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं minim.txt है, हमें चाहिए mdp फाइल, तो आप इसे रीनेम करिए और ये txt है उसे हटा दो, mdp इंटर कर दीजिए। अगेन ये कहेगा कि इसे पहचान नहीं रहा या अनस्टेबल है, तो आप एस कर दीजिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो इसे पहचानेगा। ठीक है, नेक्स्ट मिनिम की जो md स्क्रिप्ट है उसे आप रन करा दीजिए। दिस इज दी कमांड लाइन, कॉपी कर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक किया तो कॉपी नहीं हुआ सही से, फिर से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड पेस्ट, हिट द एंटर की। आई थिंक नथिंग इज एरर हियर, अगर कुछ भी होगा तो एरर लिखेगा, प्लस उस एरर की मदद से हमें पहचानना होगा। अब देखो यहाँ पे एक एरर वर्ड लिखा है ये, तो ये एरर नहीं है बेसिकली, ये क्या है, वो मैक्स रिफाइंड यू, इसका मतलब ये जो टेल्स है किसी भी साइंटिस्ट का यहाँ पे दे रखा है, जॉन पेथ और गिलबर्ट का, ये इनके कोटेशन में एरर वर्ड है, तो ये एरर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट ए एरर। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन, एनर्जी मिनिमाइजेशन। अब देखो एनर्जी मिनिमाइजेशन जब हम लगाएंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इस टाइम को हम थोड़ा सा वॉच करेंगे और हम यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देंगे। उसके बाद जैसे ये मिनिमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अगेन आएंगे। चलो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कमांड को रन कराते हैं। कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आप अपने से भी जोड़ सकते हैं, जैसे सपोज करिए आपको नंबर ऑफ थ्रेड पता हो तो आप डैश एनटी 8 है, अगर आपके पास नोड पता हो, जो भी चीजें आपको पता है तो उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। प्लस जीपीयू पे रन कराना है तो भी आप कमांड लाइन दे सकते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है क्योंकि फुल सिस्टम को काम पे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये जो रन करा रहे हैं वो अपने लैपटॉप मशीन से करा रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ऐड कर सकते हैं, एंटर हिट कर दीजिए, ये मिनिमाइजेशन का स्टेप शो करेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से मिनिमाइजेशन का स्टेप शो करेगा, अभी ये स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए ये 0, 1, 2, तो कितने स्टेप पे इस प्रोटीन को मिनिमाइज करता है, आप क्लियरली वॉच करिए। ये 5 to 10 minutes लग सकता है, 15 minutes लग सकता है, दैट्स व्हाई आई एम पॉजिंग द वीडियो एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेप आई विल रिज्यूम द रिकॉर्डिंग।
जैसा कि देख रहे हैं कि ये 307 स्टेप्स लिया और इसने पूरे प्रोटीन को मिनिमाइज कर दिया, यहाँ पे कभी कोई एरर भी नहीं आया है, और लास्ट लाइन में भी देखो यहाँ इससे पहले या यहाँ भी कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मिनिमाइजेशन स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ डेटाज भी अगर आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ये दे रखा है कि ये मिनिमाइजेशन एनर्जी है, उसकी वैल्यू जो है, वैसे तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे गिवेन है, देखिए ये वैल्यू आपको गिवेन है, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारा आपको दे रखा है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मिल जाए तो आप ये कमांड एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने वाला लगा सकते हैं, कॉपी करिए सिंपली कॉपी। जब ये प्रॉम्प्ट करेगा आपको लिखना भी है 10 और 0, 10 का मतलब पोटेंशियल है और 0 पॉइंट टर्मिनल पे आपको पोटेंशियल चाहिए, तो ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। कमांड हो गया, एंटर करिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये किस तरीके का पोटेंशियल है, 10 नंबर पे, ठीक है, ये कूलम्बिक रेसिपी है, और 0 नंबर मतलब 0 से स्टार्ट करके आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दीजिए, यहाँ पे सिंपली टाइप कर दीजिए 10 space 0। अब अगर देखिए आप ये 11 नंबर पे जो पोटेंशियल मेंशन है, अगर आप ये चाहते हैं, प्रेशर चाहते हैं, लिनार जोन 60 रेंज पोटेंशियल चाहते हैं, कूलम्बिक इंट्रैक्शन चाहते हैं, ठीक है, लिनार जोन 14 चाहते हैं, तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द नंबर गिवन करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू, जस्ट इंटर करिए। टेन और जीरो इंटर, ये देखिए आपको प्रॉम्प्ट करके आ गया कि ग्रो मैक्स रिमाइंड यू, और कोई भी एरर नहीं है, ये एवरेज वैल्यू आपको दे दिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये जो आपने फाइल जनरेट की है वो आपके फोल्डर में है कि नहीं, तो आप यहाँ से देखिए कि आपने एनर्जी नाम का एक ये था, वन सेकेंड, हाँ पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डॉट एक्सट्रीजी, तो आपको जो ये आउटपुट डैश ओ लिखा है, इसका मतलब ये आउटपुट है, और डैश एफ मतलब ये इनपुट फाइल होती है, तो डैश एफ में पोटेंशियल डॉट एक्सवीजी है, आप इसे फाइंड आउट करिए पोटेंशियल डॉट एक्सवीजी। इस एक्सवीजी को आप ओपन कर सकते हैं, ओपन विथ एक्सेल, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आप ग्राफ खींच देख सकते हैं, जो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे नहीं ओपन होगा। आप सिंपली क्या करिए, एक्सेल फाइल खोल लीजिए, एक्सेल एस, कोई भी एक फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, और उस फाइल में आपको ये ओपन करके दिखा देते हैं। चलिए, तो ये मेरी वर्किंग फाइल है, पहले से ही मैंने एमडी कैलकुलेट कर रखा है, तो इससे आपको कुछ नहीं देखना है। आप यहाँ से नया ले लीजिए, न्यू ले लीजिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, और उसके बाद इस पुरानी फाइल को क्लोज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना करिए। आप यहाँ से जाइए ओपन में, कंट्रोल ओ करिए, या फिर फाइल पर क्लिक करिए, ओपन, कंप्यूटर में जाइए, कंप्यूटर में जो जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, बेसिकली वो फोल्डर था, ब्राउज कर लेता हूँ मैं, सी ड्राइव में था, यहाँ से भी आप रिसेंट में भी जा सकते हैं, वी केमिस्ट्री यहाँ पे दिया होता है लिंक, वी केमिस्ट्री में जाइए, और ये आल एक्सेल फाइल के बजाय आल फाइल सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आल फाइल सेलेक्ट करेंगे आपको दिखाएगा पोटेंशियल डॉट एक्सवीजी, इसको सेलेक्ट करिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। इसे फिनिश कर दीजिए, ये देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट फाइल है, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कोऑर्डिनेट फाइल जो है वो सारा एक में मर्ज कर दिया, अगर ये दो में होता, चलिए मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। ये 307 तक की वैल्यूज हैं, अगर ये एक में होगा तो आप सिंपली ग्राफ खींच सकते हैं, सॉरी अलग अलग अगर कॉलम में होगा तो आप ग्राफ खींच सकते हैं, ये अलग कॉलम में नहीं है, तो मैं फिर से इसको ओपन, इसी फाइल को ओपन करता हूँ, ओपन पोटेंशियल डॉट एक्सवीजी, सिंस ये ओपन है तो नहीं हो रहा है,
मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और फिर से आप ओपन करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है, जब जैसे हम नेक्स्ट में जाएंगे या तो आप ये कर दीजिए कि फिक्स विड्थ का कर दीजिए और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में जैसे ही आप लेवल पे जाते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये पैरामीटर फाइल अलग होनी चाहिए, नहीं अलग है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, एक लाइन आ गई, इसका मतलब ये अलग ये अलग। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। अब यहाँ से हम आपको ग्राफ खींच के दिखा सकते हैं, देखिए इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइए, स्कैटर में जाइए ये, और आप ग्राफ खींच लीजिए। आपको लाइन चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए तो इस तरीके से लाइन। अब देखिए कुछ इसी तरीके की लाइन हो सकता है, यहाँ भी आइए देखिए सेम दिस ग्राफ। अब आप एक्सेल में जितनी भी मैनिपुलेटिंग करना चाहते हैं, एक्सिस का टाइटल, चार्ट का टाइटल, स्टाइल, कलर, बोल्ड एक्सेट्रा, जैसे इसे बोल्ड करना हो तो सिंपली हम होम में जाएंगे, इसे हम बोल्ड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी कर सकते हैं। एक्सेस का टाइटल यहाँ से सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा ऑप्शन आपके पास अब अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में भी देखिए जो डैश एफ ऑप्शन दे रखा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरह के इनसिंबल हाइपोथेसिस होती है, एनवीटी और एनपीटी। एन है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, और एनपीटी होगा नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर और टेम्परेचर का। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें एमडीपी फाइल चाहिए, तो हम यहाँ से एमडीपी फाइल, ये लिंक दे रखा है, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करेंगे और इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल ए करिए, सी करिए, कंट्रोल सी, नोटपैड प्लस प्लस में जाइए, यहाँ से एक न्यू पेज लेता हूँ, न्यू पेज लीजिए और न्यू पेज लेने के बाद पेस्ट करिए। अब देखिए ये सारा जो कट ऑफ वगैरह है, स्कीम्स है, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, प्लस कितने टेम्परेचर के लिए है, तो ये टेम्परेचर रेंज है। आप इसे मैनुअली एडिट कर सकते हैं, 300 से 325, 310, 290, जितना चाहे। ये कितने प्रोटीन है, कितने नॉन प्रोटीन है, ये सब की वैल्यूज दे रखा है, ठीक है। हम बाकी सारे चीजों को नॉन प्रोटीन में करके रखते हैं, जैसे हम प्रोटीन लिगेंड का सिमुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे लिगेंड का टर्म जोड़ना पड़ेगा, तो ये हम मैन्युअली जोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज हम अपने आप से जोड़ सकते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखते हैं, कितने स्टेप्स का है ये, इतने स्टेप्स का है, कितने पीएस पे कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करना है, ये 100 PS पे कोऑर्डिनेट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। बाकी अदर पैरामीटर्स भी, कट ऑफ स्कीम मेनली मायने रखती है, तो ये कट ऑफ स्कीम इसमें बाय डिफॉल्ट वर्लेट है, आप वर्लेट ही रहने दीजिए, अगर आप कोई और भी कट ऑफ स्कीम रखना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुलम्बिक इंट्रैक्शन है, या जो कुलम्ब टाइप है, ये पार्टिकल में से इवॉल्व है, ये बाय डिफॉल्ट ग्रोमैक्स का है, क्यूबिक इंटरपोलेशन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप पहले वहाँ पे क्यूबिक बॉक्स लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे क्यूबिक ही, अदरवाइज आप कोई और भी रोम्बोहेड्रिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक आप लेकर चल रहे हैं तो इसे चेंज कर दीजिए, ठीक है। टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पे OPLS है, सिंस OPLS फोर्स फील्ड यूज किया गया, OPLS हमने चार्म यूज किया तो हम इसमें चार्म भी लिख सकते हैं, CHARMM, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ, जैसे सेव करने जाएंगे अगेन ये पूछेगा, आपको ध्यान रखना है कि इस फाइल को NVT के नाम से सेव करना, NVT यहाँ पे आते हैं बी केमिस्ट्री वाले फोल्डर में, सेव कर देते हैं। अगेन इस फाइल को मैं कट कर देता हूँ और इस फोल्डर में जाके रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि ये TXT फाइल है, तो TXT फाइल इनपुट में नहीं ली जा सकती, तो हम इसे MDP कर देते हैं, इसे चेंज कर दीजिए MDP, एंटर कर दीजिए। अगेन ये
प्रॉम्प्ट करेगा कि अनस्टेबल है, हम इसे रिकॉग्नाइज कर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विंडो का फाइल फॉर्मेट है नहीं, ये लिनक्स और उबंटु के लिए है, तो कोई बात नहीं, आप इसे चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कमांड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दिस इज द प्रॉम्प्ट, जस्ट कॉपी द कमांड एंड पेस्ट है। इससे पहले ये ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर्स फाइल nvt.mvp हम दे रहे हैं वो है कि नहीं आपके फोल्डर में, तो अगर वो है तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही कमांड देके इंटर करेंगे ये रन करेगा और यहाँ पे चेक करना है आपको कि कोई इंटर एरर है कि नहीं, तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी एरर नहीं है, जो ग्रोमैक्स रिमाइंड यू आता है वो सिंपली आ रहा है और आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, तो कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट कमांड के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं, अगेन हम एमडी रन कराएंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए कमांड को, ठीक है। अब देखिए इसमें डैश वी नहीं है, तो आप चाहे तो डैश वी ऐड कर सकते हैं, डैश वी ये अच्छा रहता है, आप ऐड कर दीजिए। इसमें हम चाहे तो डैश एनटी नंबर ऑफ थ्रेड यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे कंप्यूटर में दो थ्रेड है, चार थ्रेड है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है डैश वी ऐड कर दीजिए, एंटर करिए, ये रन करेगा अगेन मिनिमाइजेशन की तरफ और वेट करते हैं, जैसे ये स्टिक पूरा होता है 100 ns का, फिर से हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे। जैसे ही हम देखते हैं कि ये अगेन ब्लू प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है, इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे आप देखिए ग्रोमैक्स रिमाइंड से लिख के आ गया और कोई भी एरर वर्ड नहीं है, कोई एरर नहीं, तो इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है कि ये प्रोसेस कब कम्प्लीट होगा, अप्रोक्सीमेट टाइम एंड डेट लिखा होता है, ये इस टाइम और डेट को आप अपने इस सिस्टम के टाइम डेट से अपने सिस्टम के टाइम डेट से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कितने घंटे लगे। आप हमारे यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप है थोड़ा स्लो है, तो मैंने ये रन कराया तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 hours के आसपास लग रहा है, ठीक है। तो 3 to 4 hours हमने वेट किया, उसके बाद अगेन नेक्स्ट हमने कह दिया कि हमने एनवीटी लगा दिया। एनवीटी का मतलब है आइसोटोरिक आइसोथर्मल एनसेंबल हाइपोथेसिस हमने अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है एनपीटी आइसोबारिक आइसोथर्मल। तो यहाँ पे फिर अगेन हम जाते हैं वहीं से, उससे पहले अगर आप टेम्परेचर का वेरिएशंस देखना चाहते हैं तो आप ये टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। टेम्परेचर है सिमुलेशन टाइम का 100 ps का सिमुलेशन था, आप इस कमांड को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी और रन करेंगे सर। अगेन ये आपसे प्रॉम्प्ट करेगा और पूछेगा कि किस किस चीज में ग्राफ चाहते हैं, तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमने टेम्परेचर के लिए पिछली बार हमें पोटेंशियल के लिए किया था, तो हमें टेम्परेचर से भी और फ्रेंस चाहिए, जीरो फ्रेंस चाहिए, तो टेम्परेचर कितने नंबर पे है उसका हम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि 16 नंबर पे, एक बार क्लास चेक कर लेते हैं 16 नंबर पे टेम्परेचर है यहाँ पर नहीं है, तो चूंकि ये अपडेटेड वर्जन है तो 17 नंबर पे टेम्परेचर है, तो हम यहाँ 17 लिख सकते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग जो आरएमएस वैल्यूज और टोटल ड्रिफ्ट कर रहा है ये
वैल्यू दे रहे हो, आप अगेन इस प्लॉट को आप अपने फोल्डर में जाके देख सकते हैं। देखो ये टेम्परेचर डॉट एक्स वी जी, तो इसको अगेन हम एक्सेल की मदद से जैसा कि हमने पोटेंशियल वाला ग्राफ खींचा था, प्लॉट किया था, उस तरीके से हम इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। देखो मैं प्लॉट करके आपको दिखा भी देता हूँ, वैसे ही ग्राफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चाहे तो आपसे छोड़ भी सकते हैं। हाँ सर, तो ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, जैसे ही ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे तब ये दिखाई देगा टेम्परेचर। मिक्स करिए और यहाँ पे स्पेस को ट्रिक कर दीजिए, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट जैसे करेंगे और फिनिश करेंगे तो आपको स्पेस जहाँ भी होगा वहाँ से सेपरेशन मिल जाएगा। अब देखिए ये है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, इस कोऑर्डिनेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और स्कैटर में यहाँ से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए तो ये आपको जो है वो ग्राफ मिल गया, इधर टेम्परेचर है, इधर सिमुलेशन टाइम है। चलिए अब नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आइसो बारिक आइसो थर्मल इनसेंबल, दैट इज द इक्विलिब्रियम फेज टू। अगेन जो हमें इक्विलिब्रियम फेज टू रन कराना है तो हमें क्या चाहिए, pt.mdt, क्योंकि जो डैश एफ लिखा है वो इनपुट फाइल होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके लिए दे रखा है लिंक, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और इसे हम बना देंगे ठीक उसी तरीके से जैसे MVT को बनाया। अब हमें ये देखिए हमेशा कि ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है इसी को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई करिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि प्रोटीन लिगेंड है और सारे चीज़ को नॉन प्रोटीन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये नॉन प्रोटीन में चल जाएगा। जब लिगेंड का आएगा तो उसे अलग से बताएंगे कैसे इसे एडिट करना है, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि कट ऑफ स्कीम है, ओवरलैप है और इंटीग्रेटेड क्या है एक्सेट्रा। वैसे हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और नोटपैड में आते हैं, न्यू पेज लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। आप ये बदल सकते हैं, जैसे हम चार में यूज कर रहे हैं तो उनका ये टाइटल में से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो सी एच ए आर कपल हम ये लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दो, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। जो हमारा वर्किंग फोल्डर है हम वहां पे सेव कर लेंगे, इसको हम रीनेम कर देंगे, ये हमारा है npt, इंटर। और अगेन इस फाइल को भी आपको क्या करना है कि npt.mdt में कन्वर्ट कर देना। दिस इज द npt.txt, इसको जाकर हम रीनेम कर देंगे, ये .txt को mdt में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं ना तो ये ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू नॉर्मल नोटपैड, इससे आपको ये सारे चीज करने में सुविधा मिल जाएगी। तो ये फाइल हमारी तैयार हो गई, अब हम कमांड कॉपी करते हैं और रन कराते हैं। दिस इज द कमांड, हमारे कमांड कॉपी नहीं हो, फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो ये क्या है, ये तुरंत ही जो कॉपी किया हुआ डाटा है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा।
समय हो अब एक बार चेक कर लेंगे कि सारे पैरामीटर्स एमबीटी या एमबीपी ये है, बाकी ये तो पहले से प्रोफाइल जनरेट हुई है, पहले की प्रोफाइल है, इसी प्रोफाइल को हमें प्रोसेस कराना है और ये नई टोपोल्डर टाप में चाहिए, ठीक है, और एक टीपीआर फाइल चाहिए जो कि बाइनरी डेटा फाइल है हमारी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको रन कराते हैं, इंटर प्रेस कर दीजिए। देखो ये यहाँ पे इरर लिख के आ गया, इसी इरर की हम बात कर रहे थे। तो ये कह रहा है कि इरर में इनपुट फाइल है जिसमें कमांड लाइन हम एफ दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं कि npt.mdp, तो ये कह रहा है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखते हैं, हो सकता है रीनेम करते हुए हमने एमडीपी ही लिखा है या npt लिख दिया है, चेक करते हैं एक बार। ओ सॉरी, एनडीपी हो गया, होना चाहिए था एनडीपी। अब इसे फिर से रीनेम कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी इरर होगा ये करस्पॉन्डिंग इरर को देगा, प्लस ग्रोमैक्स की इरर डायरेक्टरी है, तो वहां से भी जाकर इरर कोड को या इरर मैसेज से हम समझ सकते हैं कि आखिर क्या इरर है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट, फिर से इस कमांड को रन करते हैं। अब ये अब इसने कोई इरर नहीं दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रोमैक्स रिमाइंड यू आ गया और एक कोटेशन आ गया। नेक्स्ट है जीएमएक्स एमडी रन डेफ एन एम वन पी। अब देखिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डैश वी वाला ऑप्शन है आप उसे यूज कर दीजिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये वी जो होता है ये वर्बोस होता है और वर्बोस में टाइम दिखाया जाता है, ये कितने देर तक चलेगा, तो आप आराम से इसे लगा के कोई काम कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ इस स्टेप में, चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ कि कितना टाइम लेगा, ये यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ही इसका ये स्टेप जीरो से थोड़ा सा भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये आपको बता देगा कि कितने टाइम पीरियड में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे ही इसने ये 100 स्टेप्स क्रॉस किया, वैसे यहाँ पे लिख के आ गया कि वेडनेसडे 7 जुलाई को 9:41 पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट टाइम है, इससे पहले भी थोड़ा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम आगे नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करेंगे। जो लास्ट होगा हमारा, अब हमारा होगा तो लास्ट एमडी प्रोजेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने एंसेंबल हाइपोथेसिस एनवीटी रन कर लिया है, एनपीटी रन कर लिया है। अब केवल हमारा बचता है ये है एमडी प्रोडक्शन, तो लास्ट में देखेंगे एमडी प्रोडक्शन और उसके बाद जितने भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन होंगे ट्रेजेक्टरी फाइल से जनरेट करने का, वो इतना सारा हम आपको करके दिखाएंगे कि कितने तरह की इंफॉर्मेशन हम इस एमडी से ले सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये टाइम से पहले ही फिनिश्ड हो गया, जो टाइम दिखा रहा था वो दिखा रहा था 9:41, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे लेकिन करीब करीब ये प्रोसेस 1 आवर के अराउंड चला है। तो जैसे ही ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, एंड द लास्ट स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ एमडी प्रोडक्शन। दिस कमांड कैन बी फाउंड हियर। प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ग्राफ अगर आपको चाहिए तो आप ये रन करा सकते हैं,
और जैसे रन करेंगे तो प्रेशर डॉट एक्सवीजी फाइल आपको मिलेगी, आप कमांड कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे इंटर करिए और उसके बाद इंटर की अगेन आपसे पूछेगा कि किस किसका ग्राफ चाहिए, तो आप देखिए कि प्रेशर कितने नंबर पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये टेम्परेचर है, इसी तरह यहाँ पे प्रेशर होगा और इसका भी वो होगा, ये भी दिया होगा कि यहाँ पे 18.0 सेलेक्ट कर लीजिए, 10 मीन्स 18 नंबर पे आपका प्रेशर है, ये है प्रेशर, और सॉरी ये 19 नंबर पे क्योंकि ये न्यू वर्जन है, तो 19 नंबर पे आपका प्रेशर है और 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 19 और 0 टाइप कर सकते, सिंपली जस्ट टाइप 19 स्पेस 0 एंड हिट द एंटर, ये आपको करेस्पॉन्डिंग ग्राफ दे देगा और उस प्रेशर की जो वैल्यूज होगी वो भी वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू बार में रहेगा ये। ठीक है, आप अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो उस फाइल से जैसे हमने एक्सेल में बताया था उस तरीके से ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी भी आप ये डेंसिटी का भी ग्राफ आप ले सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन एंट्री। जैसे एमडी प्रोडक्शन के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए डैश एफ जो कमांड है, डैश एफ इनपुट फाइल में हमें चाहिए md.md की और उसका जो लिंक है वहां पे ये दे रखा है, यहां पे 1 नैनोसेकंड के लिए, ये 1 नैनोसेकंड के लिए एमडी दे रखा है। आपको क्या चाहिए कि कम से कम आप 100 नैनोसेकंड के लिए एमडी लगाइए, एटलीस्ट 10 तो लगाना ही है, 1 नैनोसेकंड का तो है नहीं, सिंस हम यहाँ पे केवल आपको करके दिखा रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक प्रोसीजर बिहाइंड दिस एमडी सिमुलेशन, तो हम 1 नैनोसेकंड का ही रन करा देंगे। अगर आपको करना है तो आप यहाँ से देखिए 2 × 2 × 5 लाख स्टेप्स इक्वल्स टू 100 1000 PS एंड 1000 PS इक्वल्स टू 1 नैनोसेकंड, तो अगर आपको इसे 100 करना है, ठीक है चलो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और अगेन हम नोटपैड प्लस प्लस खोलेंगे, न्यू पेज लेंगे, पेस्ट टेस्ट करेंगे और अगर ये तो आप देखिए टाइटल है, आपसे चेंज करें ना करें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, इसे चेंज कर देते हैं, हम 4 यूज कर रहे हैं, 4 कोर्स के, तो 4 हम लिख देते हैं। यहाँ पे अगर आपको नैनो सेकंड बढ़ाना है तो आप सिंपली देखिए इधर 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा और 1 0 यहाँ पे भी बढ़ेगा, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो सिंस हम आपको केवल प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं तो हम कम से कम टाइम ड्यूरेशन वाला काम करेंगे, हम इसे एडिट नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, अगर कोई चेंजेस की जरूरत होती है तो प्रोटीन लेजेंड सेक्शन के लिए यहाँ पे होता है, बाकी सब कुछ सही है तो आपको कोई चेंज नहीं करना, जस्ट लीव एवरीथिंग एंड सेव द फाइल। इस फाइल को भी हम वहीं पे बी केमिस्ट्री वाले फोल्डर में सेव कर देंगे और इसका भी नाम रख देंगे हम md.md को, तो आपको पता है कि md.txt पहले आप फाइल सेव कर लीजिए और उसके बाद आप इस करस्पॉन्डिंग फोल्डर में जाइए, इस फोल्डर में और इस txt फाइल को, ये जो txt फाइल है इस txt फाइल को आप फिर से रीनेम कर दीजिए, जैसे ही रीनेम करेंगे MDP, ठीक है एस कर दीजिए क्योंकि ये फाइल फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो नो इशू, ग्रोमैक्स हमारा कर रहा है ना, तो यहाँ से मैं बैक चाहता हूँ और कमांड लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये ग्रोम कमांड हमें रन कराना है, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी लिंक है, ठीक है फिर से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड राइट क्लिक करेंगे, हिट द एंटर की, अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं ना, यहाँ से यहाँ तक इतनी लाइंस में अगर एरर होना होगा तो ये नीचे की लाइंस में आ जाएगा, तो अगेन ये लिखा आ रहा है ग्रोमैक्स रिमाइंड यू, मतलब आपका प्रोसेस
पूरी तरीके से अच्छा है, कंप्लीट है और कोई भी एरर नहीं है, तो हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है एमडी रन, दिस इज द एमडी रन। अगर देखिए जैसे मैं ये कह रहा था ना कि नंबर ऑफ थ्रेड आपको डिफाइन करना हो, आप जीपीयू पे रन कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम ये किस चीज पे रन कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ थ्रेड यूज करें। तो सिंस हमारा जो लैपटॉप है वो सीपीयू बेस्ड है तो हम यही वाला कमांड रन करेंगे, हम जीपीयू नहीं टाइप करेंगे। जस्ट कॉपी द कमांड एंड पेस्ट इन टर्मिनल। आपको क्या करना है कि यहाँ पे कितना स्टेप लेगा इसके लिए आपको वर्बोस लगा देना है, स्पेस दीजिए, डैश दीजिए और भी ये जोड़ देने से क्या होगा कि कितना टाइम में एस्टिमेटेड टाइम एमडी फिनिश हो जाएगा ये हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही हम ये हमें पता चलता है हम क्या करेंगे, इंटरविथ करेंगे। इंटरविथ करने के बाद देखिए हमने 1 नैनो सेकेंड का लगाया है तो 1 नैनो सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग जैसे भी ये 0 स्टेप से जैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ेगा आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हम टाइम देखते हैं, उस टाइम के करेस्पॉन्डिंग फिर से हम वीडियो को पॉज कर देंगे और जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर हम रिज्यूम करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो हमारा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या क्या हम ग्राफ निकाल सकते हैं, कौन कौन से डेटा निकाल सकते हैं इस एमडी सिमुलेशन से और उनके क्या सिग्निफिकेंस है ये थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये एस्टिमेटेड टाइम दे रहा है, ये जो एस्टिमेटेड टाइम दे रहा है ये है जुलाई 9 और आज हम जो रन करा रहे हैं वो है जुलाई 7, 7 जुलाई, और 7 जुलाई मॉर्निंग में 7:47 हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चल रहे हैं कि कल तक या आज शाम तक जैसा लैपटॉप है जैसे ही स्पीड है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेसर है वो बहुत ही स्लो वाला है, ड्यूअल कोर है, तो हम ड्यूअल कोर पर रन करा रहे हैं। ये बेसिकली ट्यूटोरियल वीडियो है तो ड्यूअल कोर की वजह से ये बहुत स्लो चल रहा है। अगर आपके पास i7 या GPU सिस्टम है तो उस पर बहुत फास्ट चलेगा, ठीक है, तेजी से कम्प्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही ये कम्प्लीट होता है फिर से हम लाइव आते हैं। फाइनली जो हमारा कमांड था एमडी सिमुलेशन का, बेसिकली एमडी प्रोडक्शन वाला स्टेप, तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एमडी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी एमडी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और ये कमांड ऑफलाइन आ गई, तो जैसे ही आ गई और कोई एरर भी नहीं, क्योंकि प्रोमैक्स रिमाइंड यू अगेन लिख के आ गया है। अगर ये कोई एरर नहीं है तो हम नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। बेसिकली एनालिसिस में प्रोटीन के लेवल पे हम क्या निकाल सकते हैं, हम गायरेट निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। आरएमएस कमांड यूज कर सकते हैं, मतलब आरएमएसटी के लिए आरएमएसएस यूज कर सकते हैं। समटाइम्स अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट यूजफुल नहीं है। प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, DSSB। तो ये सारे जो बेसिक कमांड्स हैं हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन के लिए रामाचंद्रन प्लाट भी यहाँ पे ऑप्शन में आता है, तो रामाचंद्रन प्लाट भी हम निकाल सकते हैं। बट अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड और करेस्पॉन्डिंग एनर्जीज वैल्यू जो है वो प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द एनालिसिस। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज देखना है कि अगर हमारे ट्रेजेक्टरी में जो एमडी सिमुलेशन के दौरान अगर कोई ब्रोकन पार्ट रह गया या कोई जंप रह गया तो उस ट्रेजेक्टरी के इश्यू को हमें फिक्स करना होगा कि वो बॉक्स से बाहर ना जाए। तो इसके लिए हमें ट्रेजेक्टरी TRJCOND ये कमांड लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम कमांड लाइन को कॉपी कर लेते हैं और रन कराते हैं।
control C and right click here. Just hit the enter key. अब यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो हमें किसकी ट्रेजेक्टरी को क्लीन करना है? प्रोटीन को विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम, तो वन एंड जीरो, सिस्टम के लिए जीरो, प्रोटीन के लिए वन। आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा भी होगा, प्रोटीन के लिए वन, सिस्टम के लिए जीरो। तो पहले वन स्पेस जीरो इंटर, ठीक है। तो इसने क्या किया, तो उस ट्रेजेक्टरी वैल्यूज को करेक्ट करके राइट कर दिया। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं, यह है आरएमएसटी, आरएमएसटी निकालना, कॉपी पेस्ट। आप यहाँ पे देखिए, ये जो एनएस लिखा है इसका मतलब आपको जो ग्राफ चाहिए वो नैनो सेकंड में चाहिए। अगर आपको ग्राफ पीएस में चाहिए तो आप यहाँ पे पीएस पे लिख सकते हैं एनएस के जगह, ठीक है। ये जो फाइल है rms.xvg, ये आपकी आउटपुट फाइल होगी और इसी से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करके मैं आपको दिखा दूंगा, जस्ट प्रेस द इंटर की। अब आपसे ये पूछता है कि आरएमएसटी आपको किसकी चाहिए, तो आपको देखो ध्यान देना है कि जो बैकबोन है ना, वो बैकबोन की आरएमएसटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर का भी आरएमएसटी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का भी जो है आरएमएसटी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अब ये बैकबोन क्या है, जैसे सपोज करो कि प्रोटीन की लंबी सी चेन है और इससे कोई साइड ग्रुप निकला है ऐसे, तो ये जो पार्ट है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनाता है मेनली, ये बैकबोन, और इसकी ट्रेजेक्टरी में अगर डिस्टर्बेंस होता है, इसकी आरएमएसटी वैल्यू में डिस्टर्बेंस होता है, तो प्रोटीन का डिनेचर होता है। अदरवाइज साइड वाले का हम मैटर नहीं करते, क्योंकि साइड वाले जो साइड चेन्स होंगे या ऐसे ग्रुप्स निकले होंगे वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनकी आरएमएसटी वैल्यू तो 2 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा ही आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो है बैकबोन सेलेक्ट करना, तो बैकबोन कितने नंबर पे है, यहाँ पे गिवन है 4 नंबर पे बैकबोन, तो हम 4 सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपसे पूछता है कि स्क्वायर फिट किसको लेना है, तो चलिए बैकबोन कर दिया, फिर पूछ रहा है तो आप अगेन स्क्वायर फिट में भी बैकबोन ही सेलेक्ट करें, ये फॉर बोथ लिस्ट स्क्वायर, तो दोनों एट लिस्ट टू टर्म आपको बैकबोन ही सेलेक्ट करना है, कि बैकबोन रिलेटेड टू बैकबोन, ठीक है। जैसे ही आपने प्रेस किया 4 लिख के एंटर किया, ये आ गया। अब यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो एक्सवीजी फाइल है जो यहाँ पे जनरेट हुई है, हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये एक्सेल की फाइल हम ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू पेज, और यहाँ से ये जो पैरामीटर्स हैं, जो कोऑर्डिनेट पैरामीटर्स हैं, उनको ओपन कर लेंगे। एंड दिस इज द फोल्डर कंटेनिंग ऑल द फाइल्स, यहाँ पे देखिए ये सब। तो अब हमें क्या करना है, rmst.xvg को एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्सेल में। जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, यहाँ स्पेस सेपरेटेड वैल्यू को हमें सेपरेट कर लेना है, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब ये जो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू थी ये अलग हो गई, अब इसका ग्राफ खींच के देखते हैं 10 नैनो सेकंड के लिए, हम ग्राफ खींच के आपको दिखा देते हैं। इंसर्ट में जाना है, स्कैटर में जाना है, और ये लाइन वाला ग्राफ, तो ये आपका ग्राफ है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम रेंज है 0.12, मतलब 2 एंगस्ट्रॉम के नीचे है, तो अगर ये 2 एंगस्ट्रॉम के नीचे है तो बहुत ही अच्छा ग्राफ बन जाएगा। अगर इससे ज्यादा होता, प्रोटीन लिगेंड के केस में मेनली हम देखते हैं कि 2 एंगस्ट्रॉम के बिलो है तो प्रोटीन ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो आपने ये ग्राफ खींच लिया, इसके एक्सेस टाइटल एक्सेट्रा एक्सेल में इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कमांड है आपका
ये है, देखिए ये अगेन आरएमएस निकाल रहा है, ये आरएमएसटी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का है, तो अगर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निकालना है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आरएमएसटी निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन जी। इसके पहले मैं एक और कमांड लाइन आपको बता देता हूँ कि अगर आपको आरएमएसएफ निकालना है रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, तो भी आप ऊपर वाला कमांड रन करा लीजिए और जो ये आरएमएस था इसको आप चेंज करके आरएमएसएफ कर दीजिए, आरएमएसएफ, और यहाँ पे जो आरएमएसटी डॉट एक्सवीजी है इसको भी चेंज करके आरएमएसएफ कर दीजिए और इंटर हिट कर दीजिए। तो ये जो कमांड लाइन है इसमें जो पी यू ये गड़बड़ है, ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आरएमएसएफ होता है वो पर्टिकुलर सॉरी अमीनो एसिड के रेफरेंस में होता है, नॉट के टाइम के रेस्पेक्ट। तो जिस ऑप्शन को मैं चेंज कर दूँ ये हम हटा देंगे, डैश टी यू हटा देंगे, फिर इंटर करेंगे। अगेन ये पूछ रहा है तो हमें किसका चाहिए, बैकबोन का चाहिए, तो फोर नंबर पर बैकबोन है, सेलेक्ट करेंगे फोर, तो इंटर आ गया, ये आपका ग्राफ आ गया। आपको आउटपुट फोल्डर में चाहिए और यहाँ पे देखेंगे rmset.xvg फाइल जनरेट, इस फाइल को अगेन आप एक्सेल में जाके प्लॉट करके देख सकते हैं। एक्सेल में जाइए और ईकेमिस्ट्री में, यहाँ से हम आरएमएसएफ को प्लॉट करके आपको दिखा देंगे। स्पेस को आपको चेक कर देना ताकि जहां भी स्पेस होगा ये कॉलम बन जाएगा। अब इस वैल्यूज को देखिए, कितने अमीनो एसिड की हमारी प्रोटीन है ना, उतने अमीनो एसिड की वैल्यू तक ये रीडिंग जाती है, जितने अमीनो एसिड की होगी जी। तो उन 1958 अमीनो एसिड से अब हम अगेन इंसर्ट में जाएंगे, स्कैटर में जाएंगे और हम उसका ग्राफ खींचेंगे। तो दिस इज द ग्राफ, इसकी एक्सिस में हम टाइटल जो भी अपना चार्ट का टाइटल, एक्सिस का टाइटल और इसके जो एक्सिस पॉइंट्स हैं उसको हम इंटर एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है जो हमारा वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हम कमांड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और टर्मिनल पे पेस्ट कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। अगेन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन में भी आपको जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो प्रोटीन के लिए है, तो चूज प्रोटीन, ठीक है, यहाँ से हम प्रोटीन सेलेक्ट कर देते हैं, दैट इज द वन नंबर, यहाँ पर हमने वन एंटर किया और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर, अब देखेंगे कि अगेन कोई एरर नहीं है और आपका कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। आप अपने फोल्डर में जाइए, फोल्डर और फोल्डर में हम देखेंगे डायरेक्ट नाम की फाइल बन गई है, direct.xvg, तो अगेन इसे भी सिमिलरली प्लॉट कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिपिकल टाइप ऑफ एनालिसिस दैट इज स्पेशली डन इन केस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे तो थोड़ा सा इससे ज्यादा एनालिसिस बताएंगे, क्योंकि उसमें हम प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स की एनालिसिस करेंगे, तो कुछ एनर्जी वैल्यूज, कुछ अदर भी पैरामीटर्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सारे पैरामीटर्स बताएंगे प्रोटीन और लिगेंड के केस में, ठीक है। तो फाइनली वी परफॉर्म द एमडी सिमुलेशन ऑफ प्रोटीन इन वाटर एनवायरनमेंट एंड द एग्जांपल इज लाइसोजाइम इन वाटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दी वीडियोज़।